Hello everyone. So today we are going to start with a new part related to your investment accounting. The variety will remain same and the calculation will be related to market value. So if you have market value given in the question, agar aapke question mein market value diya hoga, to hume calculation kis tarike se karne hai, ye sari cheeze hum is pure session mein seekhne wale hain. Agar humne pehle ke questions dhyan se dekhe hain, to ye question samajhne aapko kafi easy jayega. So, इसके पहले वी हैव सीन ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू बॉन्ड्स डिबेंचर्स वी हैव कवर्ड परचेजेस एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट एवरी पॉइंट विच एवर इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सारे हमने इस लेक्चर में कवर करने हैं थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा और पिछले जो सेशंस थे उसमें भी हमने ये सारी चीजें सीख ली थी अगर हम ये फर्स्ट लेवल की बात करें तो फर्स्ट लेवल में वी हैव एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट परचेजेस में कम इंटरेस्ट सेल में कम इंटरेस्ट So we have learned all this. So today we are going to start with the market value concept. ये आप check कर सकते हैं यहाँ पे हमने market price of the investment दिया है 70,000. फिलहाल अभी उसका कुछ calculation नहीं है last में होगा. So let us read. Mr. Sunil submits the following details regarding his holdings of 8% bonds. So Sunil is having 8% bonds of 100 each. 1st April 2019, 1st May, all the transactions are given basically, but as per the calculation, hum month-wise jayenge, date-wise jayenge. Interest is payable on 30th June and 31st December every year. So interest saal mein do bar, wohi hamare dates the. So sabse pehle formatting to maine yahan pe karke rakha hai, do dates yahan pe likh leta hu. 30 June and 31st December. ठीक है चलो शुरू करते हैं सबसे पहला स्टेप ओपनिंग बैलेंस वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड सो ओपनिंग बैलेंस से शुरू करेंगे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिया है फेस वैल्यू 50,000 और कॉस्ट 48,500 सो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फेस वैल्यू कितना था हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में फेस वैल्यू इज 50,000 एंड कॉस्ट इज 48,500 ओके ओपनिंग बैलेंस अभी तो आपको बाहर हो गया रहेगा बहुत सारे बार कैलकुलेशन किया है ओपनिंग बैलेंस पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अप्रैल के पहले कब मिला था दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तो काउंट कर लेते हैं 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 तो 3 महीने का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा दैट विल बी 1,000 रुपीज ठीक है तो काफी इजी कैलकुलेशन है मेनी टाइम्स वी हैव सॉल्व अप्रैल के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है मई लेट अस चेक मई में कोई ट्रांजैक्शन तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे मई में ट्रांजैक्शन है परचेज का फेस वैल्यू 75,000 फॉर रुपीज 76,300 कम इंटरेस्ट यहाँ पे यूनिट्स और रेट नहीं दिया डायरेक्ट अमाउंट दिया है बट यहाँ पे कम इंटरेस्ट है तो हमारा रूल था परचेज में अगर कम इंटरेस्ट रहा तो हम पहले एक वर्किंग नोट बनाएंगे उसके बाद ही यहाँ पे प्रेजेंटेशन करेंगे तो चलो परचेस के लिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ रहा हूं मैं कैलकुलेशंस के लिए तो यहाँ पे प्रिपेयर करता हूं क्या है हमारा वर्किंग नोट प्राइस वर्किंग नोट ठीक है डेट भी डाल रहा हूं वर्किंग नोट ब्रैकेट में लिखता हूं 1st मई का वर्किंग नोट है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्राइस पेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट सो आई एम गोइंग टू राइट प्राइस पेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट तो वैल्यू आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया था दैट वॉज 76,500 लेट अस चेक वंस एक बार देख लेते हैं देखो आपको क्वेश्चन में यहां पे वैल्यू दिया है दैट इज 76,300 है तो 76,300 हम यहां पे लिखेंगे 76,300 ठीक है फिर नेक्स्ट लाइन लेस इंटरेस्ट इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे तो फेस वैल्यू दिया है 75,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट है 8% मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स गिनते हैं मई के पहले कब मिला था इंटरेस्ट दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 मंथ्स का इंटरेस्ट तो 4/12 तो आप 75,000 पे अगर 4 मंथ्स का इंटरेस्ट ढूंढोगे तो आपको रेट 8% के बेसिस पे 2,000 आएगा तो 76,300 में से अगर हम 2,000 को माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा एंड दैट विल बी अवर कॉस्ट 74,300 तो ये वैल्यू अभी हम लिखेंगे चलो डेबिट साइड में आते हैं मई 1st का ट्रांजैक्शन क्या डेट लिखना है टू बैंक अकाउंट ठीक है
two bank account, face value is 75,000, cost में जो हमने कैलकुलेट किया अभी वो लिखना है 74,300 एंड इंटरेस्ट ऑल्सो वी हैव कैलकुलेटेड जस्ट नाउ 2,000. तो अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट में अभी लिखने की जरूरत नहीं है सिंस वी हैव प्रिपेयर्ड वर्किंग नोट फॉर दिस. फर्दर लेट अस मूव. सो मे फर्स्ट वी हैव कंप्लीटेड. मे के बाद नेक्स्ट मंथ जून, लेट अस सी जून में कोई ट्रांजेक्शन. 30 जून याद रखना इंटरेस्ट का डेट है. तो मे के बाद इधर डायरेक्टली परचेज नवंबर को, इधर जून में सेल दिख रहा है. तो जून में सेल है 102 कम इंटरेस्ट. तो कम इंटरेस्ट में हम कितने वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करते हैं, 3 वर्किंग नोट्स. तो 3 वर्किंग नोट बनाएंगे उसके बाद ही पोस्टिंग हम करेंगे. तो 3 वर्किंग नोट बनाने चलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सेल ब्रैकेट में, कभी सेल किया था हमने, जून 1st को सेल किया. यही सेम पार्ट का वर्किंग नोट है. पहले लिखा था प्राइस पेड, तो सेल में क्या लिखना है, प्राइस received including interest. So price received including interest. See the question. 75,102 में sale किया है तो rupees 75,000 है. कैसे करना है फिर, आपको shortcut बताया था मैंने, 75,000 multiplied by 102% का sign दबाओ वरना wrong हो जाएगा answer. So that will be 76,500. ये आपका value मिल गया. इसमें से क्या करना है, लेस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे. 75,000 इंटू 8% इंटू जून के पहले कब इंटरेस्ट मिला था, जून 1st के पहले, दिसंबर में ही मिला होगा. जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून 5 मंथ्स का इंटरेस्ट. तो 5 महीने का इंटरेस्ट गिनते हैं फिर माइनस करेंगे. तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट दैट कम्स टू 2,500. कैलकुलेट करके आप देख सकते हो. सो माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 74,000. दिस इज व्हाट, दिस इज अवर सेलिंग प्राइस. सो ये था हमारा वर्किंग नोट नंबर 1. हाउ मेनी वर्किंग नोट्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर 3 वर्किंग नोट्स. तो एक तो कंप्लीट हो चुका है. आगे बढ़ते हैं. सेकेंड वर्किंग नोट कौन सा, ये क्रॉस मल्टीप्लाइड वाला हम जो करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाइड वाले वर्किंग नोट में क्या लिखना है, क्रॉस इसमें लिखेंगे हम ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस इज हाउ मच, ओपनिंग बैलेंस लेट अस सी फ्रॉम द क्वेश्चन डायरेक्टली 50,000. यही कॉपी करना है आपको यहां पे. ओपनिंग बैलेंस इज 50,000 एंड 48,500. ओके, फिर ओपनिंग बैलेंस के बाद एड परचेजेस इज हाउ मच, 75,000 एंड 74,300. ठीक है, दोनों दोनों चीजें हमने यहां पे लिख ली. अभी हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा बैलेंस. दिस कम्स टू 1,25,000 एंड दिस कम्स टू 1,22,800. ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट. परचेसेस भी लिख दिया. नेक्स्ट लाइन में आएगा लेस सेल. तो सेल देखो कितना था हमारा, सेल था 75,000. सो आई एम राइटिंग ओवर हियर 75,000. क्या था रूल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 122,800 डिवाइडेड बाय 1,25,000. तो क्रॉस मल्टीप्लाई काफी इंपॉर्टेंट. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 73,680. यही हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट है जो हमें कैलकुलेट करना है फॉर पर्पस ऑफ प्रॉफिट लॉस. तो यहां पे मिल जाएगा बैलेंस. 1,25,000 में से 75,000 माइनस करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 50,000 ओवर हियर. और यहां पे मिल जाएगा 49,120 रुपीस. ठीक है, दिस इज सेकेंड वर्किंग नोट. हाउ मेनी वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, 3 वर्किंग नोट्स. जब तक हमारे 3 वर्किंग नोट्स नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे. अगला वर्किंग नोट है प्रॉफिट एंड लॉस का. क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट. तो एक कॉस्ट यहाँ पे मिल चुका है. कितना था कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट किया, 73,680. सेलिंग प्राइस अभी हमने फर्स्ट वर्किंग नोट जो बनाया था उस पे चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस मिला है 74,000. तो यही मैं ऊपर लिखूंगा अभी, सेलिंग प्राइस इज 74,000. तो सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट. तो क्या मिल जाएगा आपको, यू विल गेट द आंसर एज प्रॉफिट. सो हाउ मच इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट विल बी 320 रुपीज. ये अपना प्रॉफिट आ चुका है.
सेलिंग प्राइस का पोस्टिंग करेंगे, इसका कोई भी पोस्टिंग नहीं है, और ये प्रॉफिट का पोस्टिंग करेंगे। तीन वर्किंग नोट्स होने के बाद फॉर्मेट में चलते हैं। जून को हमने सेल किया, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट। कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट, और मैक्सिमम कैलकुलेशन इस पूरे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में सेल में कम इंटरेस्ट का है। तो फेस वैल्यू इज 75,000, ठीक है। कॉस्ट इज सेलिंग प्राइस लिखना है, डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर, यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस लिखना है। और इंटरेस्ट भी हमने कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट कितना हमारा था चेक कर लेते एक बार, इंटरेस्ट कितना है हमारा। तो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 2,500, तो यही वैल्यू यहाँ पे भी प्रेजेंट करनी है 2,500। प्रॉफिट था कि लॉस? प्रॉफिट था, तो डेबिट साइड में आएगा जून फर्स्ट का डेट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फेस वैल्यू डैश इंटरेस्ट डैश कॉस्ट कॉलम, एंड द प्रॉफिट वॉज 320 रुपीज। तो वी हैव सॉल्व द सेल कम इंटरेस्ट। लेट अस मूव फर्दर। अभी 30 जून को इंटरेस्ट मिलेगा, सेम मंथ है, तो इंटरेस्ट का डेट डालेंगे क्रेडिट साइड में जून 30 बाय बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू डैश कॉस्ट डैश। अभी इंटरेस्ट गिनना है, शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में भी, ये जो बैलेंस मिल रहा है यहाँ पे कितना बैलेंस है, 50,000 का बैलेंस है, तो इसी पे हम कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 6 महीने का इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है बिकॉज दो डेट्स दिए हुए हैं, एंड द इंटरेस्ट कम्स टू 2,000 रुपीज। सो दैट इज द इंटरेस्ट वैल्यू। जून 30 इज कंप्लीट। जुलाई में जाते हैं, चेक करते हैं कोई ट्रांजेक्शन है क्या। जुलाई नो ट्रांजेक्शन, ऑगस्ट नो ट्रांजेक्शन, सेप्टेम्बर नो ट्रांजेक्शन, अक्टूबर ऑल्सो नो ट्रांजेक्शन, नवंबर वी हैव डायरेक्टली ट्रांजेक्शन परचेजेस, फेस वैल्यू इज 1,12,000 एट 99 एक्स इंटरेस्ट। तो परचेज में अगर एक्स इंटरेस्ट है तो कितने वर्किंग नोट्स? नो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बनाना ही नहीं है, डायरेक्टली आपको पोस्टिंग यहाँ पे करना है। चलो डेबिट साइड में जाते हैं। नवंबर फर्स्ट क्या लिखना है? टू बैंक अकाउंट। हाउ मच इज द वैल्यू टू बैंक अकाउंट नवंबर फर्स्ट? 1,12,500. सो डायरेक्ट वैल्यू इज गिवन टू यू 1,12,500. उसका कॉस्ट देखते हैं क्या दिया है, 99x इंटरेस्ट। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, 1,12,500 इंटू 99%, परसेंट बहुत जरूरी है, तो आंसर मिलेगा 1,11,375. ध्यान से करना, आई रिपीट अगेन, 1,12,500 इंटू 99%। अगर आप परसेंट नहीं करोगे तो आंसर फिर गलत आ जाएगा। अभी इंटरेस्ट गिनेंगे, 1,12,500 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय, नवंबर के पहले कब मिला था इंटरेस्ट, इन दोनों डेट्स को कंपेयर करो, जून में मिला था, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, हाउ मेनी मंथ्स? 4 months, तो 4 / 12, तो दी इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 4 months नाउ, एंड द इंटरेस्ट कम्स टू 3,000 रुपीज। ओके, सो परचेजेस भी हमारे हो चुके हैं, दो परचेजेस थे, एक एक्स इंटरेस्ट था एक कम इंटरेस्ट था, दो सेल है, एक एक्स इंटरेस्ट है एक कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट हो चुका है, एक्स इंटरेस्ट वी आर नाउ सॉल्विंग। तो अभी हम सॉल्व करेंगे एक्स इंटरेस्ट को। सबसे पहला स्टेप ये परचेजेस को यहाँ पे एड कर लेना है, वरना बाद में भूल जाएंगे। एड परचेजेस, कितना था हमारा परचेज? 1,12,500 था हमारा परचेज का फेस वैल्यू, एंड 1,11,375 इज योर वैल्यू और परचेज कॉस्ट, ठीक है। इनको अभी ऐड कर लेंगे, सो वी आर गोइंग टू ऐड दिस, मिल जाएगा बैलेंस, बैलेंस मिलेगा, दैट विल बी फर्स्ट फेस वैल्यू, योर आंसर इज 1,62,500, एंड कॉस्ट वी आर गोइंग टू गेट 1,60,495. So simultaneously, whatever we are writing in the format, the same points are to be added in this working note if it is a purchase, and the same points we are going to deduct if it is a sale. So minus bhi karna hai, dhyan rakhna dono cheeze. Chalo aage badhenge abhi. Next point mein jaate hain. November ke baad agla month December, 31st December dhyan rakhna. Yahan pe 1st December ko sale ho raha hai, face value 90,000 x interest mein.
तो अगर सेल रहा एक्स इंटरेस्ट, तो हमने कितने वर्किंग नोट सीखे थे? दो वर्किंग नोट्स। कौन से वर्किंग नोट्स है? एक तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाइड करना है, और एक है प्रॉफिट लॉस का वर्किंग नोट यहाँ पे बन जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में आई एम राइटिंग नाउ लेस सेल, ठीक है, काफी इजी है। कितना सेल हो रहा है चेक कर लेते एक बार। सो सेल हो रहा है 90,000, सो यहाँ पे मैं लिखता हूं सेल 90,000। व्हाट वाज द रूल? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 160,495 डिवाइडेड बाय 162,500, यू विल गेट द आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 888,890। ध्यान से लिखना, तो 888,890 इज योर कॉस्ट वैल्यू। सो कॉस्ट मिलने के बाद क्या करना है आपको? बैलेंस ढूंढना है। तो चलो बैलेंस ढूंढ लेते हैं। अभी बैलेंस मिल जाएगा, यहां पे बैलेंस आ जाएगा 72,500 का बैलेंस, और यहां पे बैलेंस आ जाएगा 71,605 का। इसको क्लोज नहीं करना है, इसके बाद मार्केट वैल्यू का कैलकुलेशन होगा, वो हम आगे सीखेंगे। अभी हम प्रॉफिट लॉस का वर्किंग नोट यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे। प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी है हमारी, जो अभी हमने कैलकुलेट की, 888,890। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन देखना पड़ेगा। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। 1 दिसंबर फेस वैल्यू 90,000 एट द रेट 98x इंटरेस्ट। तो 90,000 के इन्वेस्टमेंट्स हमने सेल किए 98 के रेट में एक्स इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिर, अभी 98 के रेट में दे हैव सोल्ड इट। तो क्या था रूल अपना? 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 98% का साइन दबाना, वरना रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज रुपीज दिया है इसलिए। सो हमें आंसर मिल जाएगा 88,200, ठीक है। सेलिंग प्राइस इज लेस, कॉस्ट इज मोर, तो लॉस आ जाएगा। यहां पे हमें लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद, 690 का लॉस। इसका पोस्टिंग करेंगे, सेलिंग प्राइस का पोस्टिंग करेंगे, ये वैल्यू का पोस्टिंग हमारे फॉर्मेट में नहीं होगा। तो चलो क्रेडिट साइड में जाते हैं। क्रेडिट साइड में आई एम राइटिंग December 1st, पहले सेल का एंट्री करता हूं, बाय बैंक अकाउंट। कितना सेल हुआ था? 90,000 का सेल। कॉस्ट कितना था हमारा? सेलिंग प्राइस कितना था? 88,200। तो यहाँ पे ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ कॉस्ट लिख दो तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू लिखनी है कॉस्ट में, बिकॉज वॉट एवर क्रॉस मल्टीप्लाइड फिगर हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज ओनली फॉर प्रॉफिट लॉस, उसका यहाँ पे पोस्टिंग नहीं करना है। अब इंटरेस्ट गिनता हूं, December 1st के पहले कब इंटरेस्ट मिला था? जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इट्स 5 मंथ्स इंटरेस्ट, तो सेल किया तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट काउंट करना है। 90,000 पे 8% मल्टीप्लाइड बाय 5/12, सो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, एंड द इंटरेस्ट कम्स टू 3,000 ओवर हियर। प्रॉफिट था कि लॉस था? लॉस था, तो लॉस क्रेडिट साइड आएगा, तो आपका लॉस का भी रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। इट सेम डेट बाय December 31st बाय प्रॉफिट एंड लॉस, फेस वैल्यू डैश इंटरेस्ट डैश, एंड वी आर राइटिंग द प्रॉफिट और लॉस इन द कॉस्ट कॉलम, एंड द प्रॉफिट वॉज एंड द लॉस वॉज 690 रुपीज। तो 690 हमने कॉस्ट कॉलम में लिख दिया है। दैट एंड्स द पोस्टिंग। नाउ अभी December 31st आएगा, December 31st को इंटरेस्ट मिलेगा, तो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू डैश कॉस्ट डैश इंटरेस्ट गिनेंगे। इंटरेस्ट के लिए शॉर्टकट मेथड, लेट अस चेक द वर्किंग नोट। यहाँ पे लास्ट आंसर कितना मिला है? 72,500। तो इसी पे इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। 72,500 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो 6 मंथ्स का ही गैप है हमारे इंटरेस्ट में। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आ जाएगा 2,900। सो इतना तो सिमिलर था, वी हैव सॉल्व ऑल दिस इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, सब कुछ हमने सॉल्व कर लिया है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू, विच इज द न्यू पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी पेपर्स में मार्केट वैल्यू दिया गया है। अब मार्केट वैल्यू आपको दो तरीके से दिया जा सकता है, एक तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट दिया जाएगा, या दूसरा आपको रेट दिया जाएगा। अगर अमाउंट दिया जाएगा तो क्या करना है, और रेट दिया जाएगा तो भी क्या करना है, दोनों चीजें बताता हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन। तो इन द क्वेश्चन द मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 70,000 डायरेक्टली गिवन। तो सिंस डायरेक्टली गिवन, यहाँ पे हम लिखेंगे
मार्केट वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू में डैश लिखेंगे और मार्केट वैल्यू की वैल्यू कॉस्ट कॉलम में हमें लिखनी है। तो अब 70,000 डायरेक्ट दिया था, कभी कभी आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा मार्केट वैल्यू इज एट द रेट 90, मार्केट वैल्यू इज एट द रेट 91। तो आपको करना क्या है, ये जो फेस वैल्यू का कॉलम है 70 to 500, फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में अगर 90 दिया रहता तो हम वैल्यू को कैसे ढूंढते, हमारा जो ये वैल्यू है फेस वैल्यू 70 to 500 मल्टीप्लाइड बाय 90 दिया रहता तो 90 और परसेंटेज का साइन, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, वो आपको यहाँ कॉस्ट कॉलम में लिखनी है जो अभी आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है। कभी कभी ऐसा दिया रहता है कि मार्केट वैल्यू इज एट 1% डिस्काउंट, तो 1% डिस्काउंट बोला तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फेस वैल्यू कितना है हमारा 100 और 100 पे अगर 1% डिस्काउंट कैलकुलेट करें तो 99 आ जाएगा टोटल वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग 99 लेंगे। तो वो भी धीरे धीरे आते रहेगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन आपको याद रखना है, फिलहाल हमको इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया। अब रूल ध्यान से समझना, क्या रूल है, रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवर कॉस्ट वैल्यू इज 71,605, अवर मार्केट वैल्यू इज 70,000, विच इज लेस। रूल सेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में क्या बोला है कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस विल बी कंसिडर फॉर वैल्यूएशन। इन दोनों में से कौन सा स्मॉल वैल्यू है, छोटा वैल्यू कौन सा है, स्मॉल वैल्यू, तो आप बोलेंगे 70,000 स्मॉल है। तो अगर आपका मार्केट वैल्यू स्मॉल रहे तो हमें सबसे पहले डिफरेंस कैलकुलेट करना है। आई रिपीट अगेन, इफ यूर मार्केट वैल्यू इज स्मॉलर देन कैलकुलेट डिफरेंस, अगर मार्केट वैल्यू स्मॉल नहीं है तो डिफरेंस नहीं कैलकुलेट करना, वरना रॉन्ग हो जाएगा। सो इफ यूर मार्केट वैल्यू इज स्मॉल लेट अस कैलकुलेट डिफरेंस, तो ये डिफरेंस कितना है 1605, दिस इज द वैल्यू, और ये वैल्यू हमें, ये वैल्यूएशन का वैल्यू है, ये वैल्यू हमें पहले कैलकुलेट करना है और फिर ईयर एंड में यहाँ पे 31st मार्च मैंने डेट डाला, यहाँ पे लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फेस वैल्यू डैश इंटरेस्ट डैश और कॉस्ट कॉलम में आपको इस वैल्यू को कॉपी करना है 1605। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। सो अगर आपका मार्केट वैल्यू स्मॉल रहे तो ही डिफरेंस लिखना, अगर मार्केट वैल्यू स्मॉल नहीं रहा तो डिफरेंस नहीं लिखना है, पहले जैसे क्लोज करते थे डायरेक्टली वैसे ही क्लोज करना है। नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द पॉइंट, अब हमें क्लोज करना है, यहाँ का टोटल कर रहा हूँ, फेस वैल्यू का टोटल हम पहले करेंगे, तो फेस वैल्यू का टोटल आता है 237,500, तो दिस इज द टोटल ऑफ फेस वैल्यू, आई एम राइटिंग ऑन द बोथ द साइड्स 237,500। इस 237,500 में से आप अगर माइनस करोगे आपके फेस वैल्यू के 75,000 और 90,000, आपको बैलेंसिंग फिगर यहां मिल जाएगा, दैट इज 72,500। क्या लिखते थे हम लोग, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। सो पहले हमें क्लोज करना है फेस वैल्यू, उसके बाद क्लोज करना है कॉस्ट कॉलम, कॉस्ट कॉलम क्लोज करना है ध्यान से 234,495। सो यहाँ पे भी लिख लो 234,495, इसमें से ये सब माइनस करोगे तो यहाँ पे बैलेंस मिल जाएगा 70,000। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग, वी कैन क्रॉस वेरीफाई। सो यहाँ पे बैलेंस में कितना आंसर मिला, 72,500 वो मिला है, और आपको कॉस्ट में ये नहीं मिलेगा बिकॉज हमने 1605 ऑलरेडी लिख दिया है। सो बैलेंस आना चाहिए 70,000। लेट अस चेक, देखो 72,500 भी आ रहा है और 70,000 भी आ रहा है। अब कैलकुलेट करेंगे इसके ऊपर इंटरेस्ट, 72,500 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, 3 months का इंटरेस्ट हमारा क्लोजिंग बैलेंस पे, एंड दैट कम्स टू 1450। अब आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे इंटरेस्ट 11850, ये टोटल आया इंटरेस्ट कॉलम, तो ये भी यहाँ सेम लिखना है 11850, एंड फ्रॉम दिस 11850 आपको माइनस करना है 1000, 2000 एंड 3000, सो यू गेट अ बैलेंसिंग फिगर ओवर हियर एंड दैट इज 5850। तो ये आपको बैलेंसिंग फिगर आ गया, this will be transferred to profit and loss account, so that is the calculation. So we have learned in this session market value given, if market value is given we need to write at the last, and after writing the market value identify whether the market value is smaller or not. So since the market value was small we have calculated the difference, and whatever difference comes this difference will be posted on the credit side of your ledger
इन द फर्स्ट कॉलम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन, ये हमने कंप्लीट किया है द फर्स्ट लेवल, सारे टाइप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के इन केस ऑफ योर बॉन्ड्स। अगले लेक्चर में मिलेंगे शेयर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।